जो पत्र उन्होंने जारी किया था उस पर मैंने उनसे कहा था कि करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं, उसके पत्र आपने जारी किए हैं। बहुत साफ था कि वो समसामयिक पत्र नहीं था, समसामयिक पैड नहीं था, मेरे हस्ताक्षर का नकल किया गया था। उस पार्टी के महामंत्री ने ये बात भी कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास रविंद्र कुमार राय के सैकड़ों हस्ताक्षर के नमूने हैं, जो इस बात को एक प्रकार से स्वीकृति थी कि हमारे हस्ताक्षर का नकल करने की पूरी तैयारी वहां हुई। और मैंने उसको साबित करने की चुनौती दी। उसके बाद वकालतन नोटिस गया उनके घर के एड्रेस से, उनके कार्यालय के एड्रेस से। न्यायालय की शर्तों के अनुसार मैंने पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के बाद तक इंतजार किया। इसके अतिरिक्त भी 15 दिनों तक इंतजार करने के पश्चात आज रांची व्यवहार न्यायालय के सब जज वन के केस में कोर्ट में आज विधिवत रूप से 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज हो गया। अपनी गलती को छुपाने के लिए तरह तरह की गलतियों को कर रहे हैं। बाबूलाल जी ने जो दिया है सामने, हम तो कह रहे हैं कि भाई जांच कराओ उसकी। और बिल्कुल तुम्हारी सरकार दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, और जांच हमने कहा है कि सीबीआई से कराओ, किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराओ, अपने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बार बार की इस थाने में करना, जितना केस है करे। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के चीजों से झारखंड विकास मोर्चा डरने वाली नहीं है। हम सही हैं और आज न कल इसका सही परिणाम सामने आएगा। और जनता सारी बातों को बड़ी गहरी निगाहों से, तेज निगाहों से देख रही है। हमें लगता है कि जनता इसका सही समय पर माकूल उत्तर देगी, जवाब देगी।